हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो यहाँ पे हम अपने फ्लिपकार्ट पे है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे फ्लिपकार्ट पे OTP नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे हम जैसे ही अपने नंबर को सबमिट करते हैं तो हमारा OTP नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने नंबर को सबमिट करता हूँ। नंबर सबमिट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा OTP नहीं आ रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है बट यहाँ पे हमारा OTP नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को ठीक करना है, यानी सही करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसे कट करना है और कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मोबाइल नेटवर्क। तो चलिए यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसी नंबर को सिलेक्ट करना है जिसपे आपका OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे रिसेट एक्सेस पॉइंट कर देते हैं। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे हमारा सेटिंग कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे कट कर देना है और कट करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड पे 2 से 3 बार टैप कर देना है। क्या करना है, टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको इसे हटा देना है और यहाँ पे आपको अपने फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देना है। देन आई बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में स्टोरेज यूज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लियर कैच करना है और इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे हमारा सेटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ स्टॉप पे क्लिक करना है और इसे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको इसे कट कर देना है और यहाँ पे फिर से फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिसेंट पे क्लिक करना है। रिसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है और यहाँ पे हमारा अकाउंट भी लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ्लिपकार्ट की OTP प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।